तेलंगाना विधानसभा ओपनिंग पोल के बारे में, तेलंगाना में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, क्या चंद्रशेखर राव वापसी करेंगे या फिर बीजेपी AIMIM और अन्य पार्टियां यहां पर वापसी करेगी। तो दोस्तों एक एक करके सभी जानकारी अपडेट इस वीडियो में जान लेते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देख के जिससे आपको पता चल जाएगा कि तेलंगाना विधानसभा ओपनिंग पोल में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। जनता की राय के अनुसार आपको सभी जानकारी अपडेट बताने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले आप ऐसे न्यूज पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले आदिलाबाद की दो विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर दो विधानसभा सीटों में से TRS को एक सीट, BJP खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भद्रादी की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर TRS, BJP खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना स्थाई जा रही है। हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहां पर TRS को 3, BJP खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तेलंगाना की 22 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। के चंद्र राव को यहां पर 6 सीटें मिल सकती है, BJP का तमें 6, कांग्रेस पार्टी का तमें 4 और अन्य पार्टी को यहां पर 6 सीटें मिलने की संभावना स्थाई जा रही है। तेलंगाना की 119 सीटों में से 22 सीटों का जनता सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में, तो यहां पर निकल के आ रहा है जगतियाल की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहां पर TRS के खाते में 2, BJP खाते में 1, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जनगांव की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहां पर TRS के खाते में 3 सीट, यानी तीनों ही सीटों पर TRS अपना कब्जा जमा सकती है, यानी गुलाबी पार्टी को यहां पर सभी तीनों सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। BJP खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं जयशंकर भूपली की 2 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर TRS के खाते में 1, BJP खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तेलंगाना की 30 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 30 में से यहाँ पर TRS के खाते में 12, BJP खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलने की संभावना स्थाई जा रही है। अब तक के ओपनिंग पोल में यहाँ पर TRS आगे दिखाई दे रही है, BJP यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को मात्र 4 सीटें, तीसरे नंबर की यानी चौथे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जोगू लांबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर TRS को सभी 2 की 2 सीटें, यानी गुलाबी पार्टी को यहाँ पर 2 की 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। BJP खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कामा रेड्डी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर TRS, तो वही 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, BJP को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्यों की, तो निकल के आ रहा है अगला राज्य निकल के आ रहा है, यानी अगला विधानसभा क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, करीमनगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर TRS, 1 पर अन्य पार्टी। तेलंगाना की 39 यानी 119 सीटों में से 39 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, TRS यानी जबरदस्त लीड के साथ TRS को 19 सीटें, BJP खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिलने की संभावनाएं स्थाई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं खम्मम की 5 विधानसभा सीटों के, यहाँ पर TRS यानी गुलाबी पार्टी को 2 सीटें, BJP खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को 1 सीट। कुमार भीम आसियाबाद की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर TRS के खाते में 1, BJP खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर TRS को 1 सीट, BJP खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्यों की, तो यहाँ पर तेलंगाना की 48 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं, TRS यानी गुलाबी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, BJP का तमें 9, कांग्रेस पार्टी का तमें 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें मिलने की संभावना स्थाई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महबूब नगर की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर TRS का तमें 3, BJP का तमें 0, कांग्रेस पार्टी का तमें 0 और अन्य पार्टी को 2 सीट मिलने की संभावना स्थाई जा रही है। मंचेरियाल की 3 विधानसभा सीटें हैं, TRS का तमें 1, BJP का तमें 1, कांग्रेस पार्टी का तमें 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0
जीरो सीट। मेढक की दो विधानसभा सीट है, दो में से टीआरएस के खाते में एक, तो बीजेपी के खाते में एक सीट। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट। तेलंगाना की 58 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। टीआरएस के खाते में 28, बीजेपी खाते में 11, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेडल मलकागिरी की। 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, यानी अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। नलगोड़ा की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से टीआरएस के खाते में 5, बीजेपी खाते में 1 सीट। नगर कुरनूल की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से टीआरएस के खाते में 2, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना की 119 सीटों में से 72 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 12 सीट, टीआरएस यानी गुलाबी पार्टी को यहाँ पर 39 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 12 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। निर्मल की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर टीआरएस, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। पेदापल्ली की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से टीआरएस के खाते में 2, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। नाजिमाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 पर टीआरएस यानी गुलाबी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना की 119 सीटों में से 84 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 12 सीटों पर टीआरएस गुलाबी पार्टी यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें यानी फिर से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीआरएस और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 12 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 13 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं रजना सिरसिलिया की, 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से टीआरएस को 1, बीजेपी खाते में 1 सीट। रंगारेड्डी और संगारेड्डी की बात करें तो यहाँ पर रंगारेड्डी की पहली बात कर लेते हैं और संगारेड्डी की बाद में बात करते हैं। रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीटों में से 8 में से टीआरएस के खाते में 4, बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। संगारेड्डी की बात कर लेते हैं, संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर टीआरएस यानी गुलाबी पार्टी को जबरदस्त लीड के साथ संगारेड्डी में मिल सकती है 4 सीटें, तो बीजेपी खाते में 0 और 1 सीट कांग्रेस को मिलने की वो भी संभावनाएं जताई जा रही है। तेलंगाना की 119 सीटों में से 99 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। टीआरएस के खाते में 56, बीजेपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 13 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धिपीठ की, 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, टीआरएस, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। विकाराबाद की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर सभी चारों की चारों सीटें टीआरएस के खाते में। सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से टीआरएस के खाते में 3, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। तेलंगाना की 111 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। टीआरएस के खाते में 66, बीजेपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 13 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं वना पार्टी की, 1 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। एक ही सीट टीआरएस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वारंगल ग्रामीण की टीआरएस को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। वारंगल अर्बन की यानी शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों में से टीआरएस के खाते में 2 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तेलंगाना की 117 विधानसभा सीटों में से टीआरएस के खाते में 70, बीजेपी के खाते में 15, कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 14 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी यानी चंद्रशेखर राव फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के खाते में 15, कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 14 सीट, यानी तेलंगाना का जन्म हुआ तब से टीआरएस यहाँ पर कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है और किसी भी पार्टी का यहाँ पर दूसरा मेंबर नहीं बना सीएम। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यादराद्री भोगीर की। जी हाँ दोस्तों, यादराद्री भोगीर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से टीआरएस के खाते में 2 सीट, यानी कि दोनों की दोनों सीटें यहाँ पर टीआरएस के जाते यानी टीआरएस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना के 119 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 15 सीटें मात्र और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 14 सीटें। और तेलंगाना की 119 सीटों में से टीआरएस यानी चंद्रशेखर राव
की पार्टी को यहाँ पर 72 सीटें यानी 72 की 72 सीटें टीआरएस पार्टी अकेले जीते नजर आ रही हैं 119 सीटों में से, और फिर से सरकार में वापसी कर सकते हैं चंद्रशेखर यानी के चंद्रशेखर राव। बीजेपी का तो मैंने मात्र 15 यानी बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके हिसाब से तो पिछली बार तो बिल्कुल ही कम आई थी, और इस बार के आंकड़े देखे तो 15 सीटों पर लगता है जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी भी 18 सीटों पर अटक सकती है। अन्य पार्टी यानी AIMM पार्टी और एक और पार्टी है जो यहाँ पर मात्र 14 सीटों पर खत्म हो सकती है, और TRS का यहाँ पर झंडा फिर से गढ़ने वाला है।